टिकट सिस्टम में अभी टिकट काट रहा है अभी लड़का लोग का, अंदर एंट्री के लिए टिकट काट रहा है, इसके बाद जाना पड़ेगा टिकट के बाद। नलिंदा पल नलिंदास जी, कोई टिकट हो टिकट खाओ, सुन रहे टिकट खाओ जी, हाँ टिकट के साथ जा रहा है अभी, टिकट बिना टिकट एंट्री नहीं है, टिकट 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 नाम लोग यहाँ पे नालंदा आते होते हैं, यहाँ पे नालंदा की हिस्टोरी पूरा इधर में लिखा हुआ है, कहानी पूरा स्टोरी ऑफ नालंदा। वहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी से लिखा हुआ है, जो भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे हिंदी में है, वहाँ पे इंग्लिश के फिर अब एंट्री हो रहा है हमारा यहाँ पे गेट के अंदर। ये हमारा बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इंडिया में, तो पल नालंदा बोलते हैं यहाँ पे, नालंदा के लिए दो कॉमन बाथरूम होता था, ये स्नान घर है, यहाँ लोग कुआं से जल लाकर के स्नान करते थे। इनके नाली का सिस्टम देखेंगे, उधर से धीरे धीरे करके ढाल हो गया है, सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले वाला है, ये उधर से ढाल बना हुआ है। दीवार का मोटाई देखिए ना, काफी मोटा मोटा था, सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था, हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने का जगह, अंदर में बुक शेल्फ, किताब रखने का ये एक कमरा एक लामा जी के लिए बना हुआ है, एक आदमी के लिए, देखिए कितना शांति से लोग रहते हुए। छत सब में लकड़ी का था, जल गया। हर सात कमरे पर एक टीचर रहते थे, हर सात सात कमरे के बाद आया, हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम होता था, ये लेक्चरर स्टैंड है, यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे, ये पत्थर के जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी, वो कुआं था जल की सुविधा के सामने, चाहते वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, ये दोनों स्टोर रूम है जहाँ वो चावल रखते थे, और वो बगल में चूल्हा है जहाँ खाना बनता था, ये स्तूपा यहाँ बाद में बना, चूंकि हम आपको आगे दिखाएंगे, जब लामा जी लोग इनके से यहाँ मर जाते थे, उनके राख को रख करके यहीं पर समाधियां बनती थी, तो ये अंग्रेज लोग जब खुदाई कर रहे थे, उन्हें बहुत सारा बोन्स मिला, हड्डियां मिली, उसे रख रख करके उन्होंने स्तूपा बनाया। मगर ये काफी इम्पोर्टेंट कहानी है, आप जानते हैं गुरु जी, एक बार की बात है, गुरु शांति देवा के शिशिवाला यहाँ से लोगों को उपदेश देने के लिए आए, जब उपदेश देने के लिए आए तो धीरे धीरे करके ऊपर चले गए थे, हम लोग इतना ही जानते थे। गुरु शांति देवा, ये गुरु दलाई लामा जी, गुरु दलाई लामा जी ने जब यहाँ विजिट किया, जब यहाँ विजिट किया, करता कैसे आ रहा, वो बोले कि गुरु इन्हें बुश को कहा जाता था, रियली ही वाज वेरी आइडियल प्रोफेशन, ये केवल खाते थे और सोते थे। जब ने के लिए आए, ये लामा जी लोग हंसने लगे, ये क्या बताएंगे, ये तो खाते हैं और सोते हैं, मगर इन्होंने जब उपदेश शुरू किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धाचार्य, बुद्धाचार्य का बहुत 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 इंपॉर्टेंट उपदेश था। इसके बाद वो तीन विशाल मूर्ति थी, इसे लाइटेड करने के लिए इधर और इधर ये दो पत्थर लगाया गया था, देखिए गुरु जी, देखने के लिए पत्थर साधारण लग रहा है, मगर साधारण है नहीं, यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ, देख रहे हैं ना, यहाँ आ जाने से तो पीछे वाले गुरुजी नहीं देख सके, ये देख रहे ना, तो ये साधारण पत्थर नहीं, ये रियल में देखिए गुरुजी कितना इम्पोर्टेंट चमकने वाला पत्थर, माइका स्टोन है, अब्रक का पत्थर है, उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था, जब इस पर सूरज या चंद्र किरण पड़ता था तो लाइट सीधा बुद्धा भगवान की मूर्ति पर पड़ता था,
जिससे मूर्ति में चमक आती थी, मींस जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, दर्पण सिस्टम। ये पूरा का पूरा पत्थर किनका मोबाइल था गुरुजी? ले लीजिए, ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो कुआं है जल की सुविधा के लिए, इच्छा है तो जाइए, कुआं में पानी सूख गया है। ये आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ये सब आप लोगों के लिए मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके कीजिए। ये कुआं है जो गुरु लोग यहाँ से पानी लेके जल स्नान करते थे, मतलब। और ये है गुरु लोग का गोदाम, खाना राशन पानी रखने का जगह ये है, आप लोग देख सकते हो पूरा गोदाम है। सदी ठंडा ठंड सदी जैसे शिवाला छिम्बो चुंजु जे बाबा ठंड जैसे शिवाला छिम्बर खोंगी चुंजु सुन सदी छा देगी दो सज धीरे दो अन्य नंबर सो ठंडा रंग झगर के हम हो गए तो ना प्योगिन देश लाभ सीखे तेंदे जी ने नमदा नलो ना जे यो रे चुंजु ना सदी वो दिते छा दो दो वो दिन ला छा देगी दो अन्य सदी रेश नालंदा घूमने आए थे वो बच्चा। नालंदा का पूरा कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहे थे। जब इस ब्लॉक में आए गुरुजी, ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुआ। जब उनसे ऊपर लेट गया तो कोना में जो कमरा देख रहे हैं ना, उस कमरे को उसने आइडेंटिफाई किया, ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा लामा जी झूठ भी नहीं बोल सकते। वो पुनर्जन्म की चर्चा कर रहे थे। उनकी मम्मी सोनम दीदी बता रही थी कि जब से वो बोलना शुरू किया उसका एकमात्र जिद था हमें नालंदा ले चलिए, हमें नालंदा चलने की बहुत इच्छा है। अब आइए हम लोग मेन। ओ ये वाला जो है मतलब गुरु लोग नहाने का जगह, बाथरूम जैसे है, मतलब ये आप लोग देख सकते हो पहले गुरु लोग नहाने की जगह है पहले गुरु लोग का। उन्हें सजेस्ट किया आपके पास कैपेसिटी है, आप दूध ला सकते हैं। उन्होंने सोचा व्हाट आई कैन डू, हाउ इट विल पॉसिबल। लेकिन बहुत देर के बाद उन्हें ध्यान आया और यहाँ देखिए वो कमरा में पेंटिंग बना हुआ है, गाय का पेंटिंग। एक कमरा रूम देख रहे हैं ना एकदम साइड में जो है सबसे आगे, उसमें गाय का पेंटिंग बना हुआ है और गाय का पेंटिंग से उन्होंने दूध निकाला और गुरु जी को दिया पूजा करने के लिए। बना लोगों ने सीढ़ियों से इसको ऊपर किया, ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर बुद्धा भगवान की मूर्ति थी जो टूट गई। इनके आस पास एक चौकोर वाला जो है ध्यान करने का जगह जिस पर बैठा जा सकता, लेकिन ये जो गोल है ना उस पर नहीं बैठ। ये गोल गोल वाला जो है ये हजारों की संख्या मिला जो समाधि है। जो लामा जी जो प्रोफेसर वाई नेचर मर जाते थे उन्हें जला के उनके राख को ला करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि, ऐसा हजारों की संख्या में मिला। बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का। ये आप लोग देख सकते हो जो उन्होंने अभी अभी एक्सप्लोर किया है, तो जो गोल गोल है वो जो मतलब गुरु लोग मतलब जब गुजर जाने के बाद उन लोगों का मतलब राग जैसा मतलब यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। जो बड़ा वाला जो है गुरु और थोड़ा छोटा वाला जो उससे मतलब थोड़ा छोटा गुरु और सबसे छोटा छोटा जो है गुरु है, लेकिन उन सबसे मतलब छोटा गुरु। ओ तीर दा ती छोटे सावा ये जो रे ननिंग ननिंग की जनवरी लाता लोचिक दादा रेस होती है। हाँ 4 जनवरी 23 में ना 4 जनवरी ला 4 जनवरी को भी मिला है ये नया छोटे दिन इस्तूपा ये नालंदा का में नीचे से 4 जनवरी को हजार बुद्धा का इस्तूपा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अभी नया है ये सब। ये है सोन भंडार, सोना भंडार में आ चुके हम। जेबो खप इतना बड़ा जंगला देखा ना गुरुजी, उसका ठीक सामने दरवाजा दीवार का वो साइड 3 माइल तक लंबी टर्लिंग गुफा इसके भीतर में। इसके भीतर में 500 लामा का बैठने का साधु का बैठने का जगह है। इसके भीतर जाने के लिए जहाँ तो पानी है ना उसका बगल से सीढ़ी है। 565 फीट ऊपर जाएंगे तो एक सप्तपर्णी गुफा है, उस गुफा से आने जाने का रास्ता। भगवान बुद्ध के जब कुशीनगर में परिनिर्माण हुए तो 3 महीना के बाद बौद्धों का प्रथम संगीति सभा से मिलने इसके भीतर में हुआ। इसके भीतर में 3 पुस्तक लिखा गया, सुत पिटक विनय पिटक अभिधम
तो बौद्धों का धार्मिक पुस्तक कहता है त्रिपिटक नामक बुक। 1934 का भूकंप में रास्ता ब्लॉक हो गया, तब से कहा जाता है बिंबिसार का खजाना। राजा बिंबिसार का बेटा राजा अजाशत्रु धन का लोभ में अपना पिता को जेल में डाल के मार दिया। उनका पत्नी का नाम था कौशल्या। अपने मर्जी का निशान भगवान बुद्ध साग वंश के थे, सच बोलते थे। शेर का निशान भगवान बुद्ध बोध गया में बोधि वृक्ष पर ज्ञान प्राप्त किए। बोधि वृक्ष का निशान यहाँ का नाम गिरी वर्ष, गिरी का मतलब पर्वत, वर्ष का मतलब वासी। रहने वाले मगध का राजा जरासंध, जरासंध के बाद आया बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा राजा अजाशत्रु, अजाशत्रु का बेटा राजा उदयन। उन्हें पता चला कि दादाजी को कारागार में मार डाला, यहाँ छोड़कर पटना पार्टी लगा, यहाँ खाली रह गया। नमस्कार गुरु जी, और मैं आप लोग का इतिहास सुनाते हैं अपने अपने हाथ से जो इच्छा हो। जब वो खबला लेते जल्बो खब दी था खाचे की जल्बो डना में दोता आज कल और खिलजी से दो तू की पूरा ये माँ छमा तोर से दो कोई तोर इन छः सौ दिन इंजी दिसो की था तेने माँ सा दिने मोह दो तेने जिन राय सर यो हाँ दिने तो दिला पूरा कल और तो बच्चों दिन देगी आने कुंडा दिस दो तेना माँ बहुत जिन कोई निशाश दुआ दिला दुआ थम्बुनी तेने जिन सा ओला तेने रा रे से दो दिला दिने ताती घर चंगो दुसना घर चंगो दुसना तब चम दिन दे दिया ने लुम्बिनी ला ठुमा था दो दिने कोंबा तीन दिन दे पोर ऐसे के दो कोंबा तीन दे दिया ने कोच कोंबा तीन पोर दिगो सोते ने अने मेतो पेमा दिन दे जी ठुम ऐसे के दो केर ऐसे के दो ओ दी ये ने चंगी हो रे और दिन आलो अने तब चम दिन दे अने माचोंग ये ला अने कोंगे आमा योरवा कोंगे यूम दिने छे ला अने छे मो मिलम नालो ला दिने लांचिंग कर्पो दिन दे जी ने ओ ता नीलम ला दिन दे जी ने जिकर सिबर सुंग देला लाशे जी छंग दिखे तुंग दे चला दिन तुम चम दिन दे जिका मे बा थम जी खेम ये खोला ता सोए देंबा मादो रो छे मादो अनि तका छुमिंग कैचे ना जो ता सूं जो मारे खोला ते छे जा जा देंबा जा जा सूं दे दिखी दे तेन देंबा सूं सूखे सूचिकला जिका मे बेगोने तेने सूं जो बनी सेंगे सुन जो रे सी रे ओ तो दिन जी नहीं होंगे तो दिल समझे अन दिल आने दिल चिक दो दिख यानी खर्च होंगे रसन दिल तो मचुम दे देते ने ता दोजी दिन योर वा अन दोजी दिन की छोटे की ओ अन दिन आला ने तो माँ कर को सांझे बा अन ने दिख चुंग खर्च होंगे रसन दिन वो कहाँ ला देने दे चंचु सिंह दिन आला रिमोट जी को दो वा ओ देखे ने दोजी दिन आता सांझे भी छोड़ दो जी चुंग योरे से योरे ता दिन जी ने दो अन नमस्कार ता जी है ना ये तो जल्द तो आज हमारा गेलो खप सोना भंडार भी ख़त्म हो चुका है। अब जा रहे हैं हम लौट के, ये है सोना भंडार।